शाम में ईरानी कौंसल खाने पर बमबारी का जवाब। ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला कर दिया। ईरान ने पहले 136 ड्रोन इसराइल की तरफ भेजे, फिर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हमले के बाद इसराइल का दिफाई निज़ाम मुतहरक। अमरीका और इसराइल ने हमले की तस्दीक कर दी। इसराइल का आयरन ड्रोम सिस्टम नाकाम हो गया। 2 ईरानी मिसाइल इसराइल के शमाल मगरबी हिस्से में अपने निशाने पर लगे। हर तरफ तबाही के मनासर, धमाकों की आवाज़ बैतुल मुक़द्दस तक सुनाई दी गई। हमले के बाद इसराइल में खौफ व हरास की फिजा। इसराइल के कई शहरों में इमरजेंसी नाफेज पनागाहें खोल दी गईं। इसराइल का उर्दुन और शाम की फ़िज़ाई हदूद में ईरानी ड्रोन्स नाकारा बनाने का दावा। दर्जनों ईरानी ड्रोन हमलों को नाकारा बनाया गया। ऑपरेशन सच्चा वादा में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अल-फता ने सिर्फ 400 सेकंड में अपने हदफ को निशाना बनाया। 50% ड्रोन्स ने भी अहदाफ को कामयाबी से हिट किया। हमलों में इसराइली फ़िज़ाई अड्डों समेत अहम और हसास तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान इसराइली फ़ौजी जारहियत के खिलाफ मज़ीद इक़दाम भी करेगा। ईरानी वज़ारत दिफा का ऐलान। इसराइल ने आइंदा 48 घंटों के लिए मुल्क में अवामी इज्तमाआत पर सख्त पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी फ़िज़ाई हमलों के बायस आयद की गई है। हालात साजगार न हुए तो अवामी इज्तमाआत पर पाबंदी का वक्त बढ़ा दिया जाएगा। इसराइली फ़ौज का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन छुट्टियां मुख्तसर करके वाइट हाउस पहुंच गए। अमरीकी सदर की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात। जो बाइडन को ईरानी हमले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी सदर की ईरानी हमले की मजम्मत, कहा कि जंग की शिद्दत को मॉनिटर कर रहे हैं, मिलकर इसराइल का दिफा करेंगे। अमरीकी सदर ने इससे कबल भी इसराइल का दिफा करने का ऐलान किया था। रूसी सदर पुतिन का इसराइल की हामी कुव्वतों के लिए सख्त पैगाम। फैसले का वक्त आ गया कि अब रूस को किसका साथ देना है। अमेरिका सुन ले कि रूस ईरान के साथ खड़ा होगा। तीसरी आलमी जंग हुई तो 2 फरीक वाज़ेह तौर पर सामने होंगे। एक तरफ रूस, चीन, ईरान, यमन और शमाली कोरिया होंगे। नीटो, अमेरिका, इसराइल और बरतानिया दूसरी तरफ होंगे। रूसी सदर पुतिन का वीडियो पैगाम। ईरान ने जंग से मुतालिक पड़ोसी ममालिक को ख़बरदार करके अपनी फ़िज़ाई हदूद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। इराक, उर्दन और लेबनान ने भी अभी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। कुवैत ने कशीदगी वाले इलाकों से अपनी तमाम परवाज़ों का रुख मोड़ लिया। सऊदी अरब का खित्ते में फ़ौजी कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फरीक़ैन तहम्मुल से काम लें और लोगों की सलामती को यकीनी बनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल कशीदगी कम करवाए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कशीदगी कम करने के लिए दोनों फरीक़ैन पर जोर दिया। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी से बहुत परेशान हूँ, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंतोनियो गुतरेस। ईरानी फोर्सेस ने अबनाई होम्स में इसराइली कंपनी के पुर्तगाली जहाज़ पर कब्जा कर लिया। पुर्तगाली जहाज़ MSC एड्स इसराइली अरबपति अल ऑफर की कंपनी का है। कब्जे में लिए गए जहाज़ पर फिलिपाइन का 20 रुकनी अमला मौजूद। ईरानी बहरिया के खसूसी दस्तों ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए बहरी जहाज़ को कब्जे में लिया। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्दीक। और अमेरिका का ईरान से फौरी तौर पर इसराइली बहरी जहाज़ छोड़ने का मुतालबा। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती कौंसल एड्रेन वाटसन कहते हैं कि तेहरान जहाज़ और इसके अमले को फौरी रिहा करे। जहाज़ को कब्जे में लेना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी पासदारान इनकलाब के इक़दाम बहरी तजाकुम जैसे हैं। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशें, आसमानी बिजली गिरने और दीगर वाक़यात में 24 अफराद जान बहक। आसमानी बिजली से पंजाब में 17, बलूचिस्तान में 5 अफराद जान से गए। कानपुर में आसमानी बिजली गिरने से मियाँ बीवी समेत 4 अफराद चल बसे। वकील वाली में मोटरसाइकिल सवारों पर आसमानी बिजली गिरने से बाप और 2 बेटे दम तोड़ गए। अहमदपुर शर्किया में भी आसमानी बिजली गिरने से खातून लुकमा अजल बन गई। पंजाब के दीगर कई शहरों में भी बादल खूब बरसे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी। डेरा बुगटी में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। कोयटा में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश जमकर बरसी। देरवाला में मकान पर लैंडस्लाइडिंग, मलबे तले दबकर 2 बच्चियां जम बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। शहर कायद में आज बारिश का इम्कान। वाटर कॉरपोरेशन में रेन इमरजेंसी नाफिज, अमले की छुट्टियां मंसूख। सवात के इलाके बहरीन में शदीद बारिशों के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद सड़कों को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। सयाहों की बड़ी तादाद की मौजूदगी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। पेशावर चित्राल रोड भी लैंडस्लाइडिंग के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। वज़ीर-ए-आज़म के मुनर में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन की पजीराई। पाक फौज के बहादुर जवानों ने पेशा वराना महारत से मुल्क दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया। पूरी कौम वतन के बहादुर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का जवानों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। मिट्टी के बेटों की लाजवाब कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए फख्र का बायस है। पूरी कौम दहशतगर्दी के जंग में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी की अफरत के मुल्क से खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे वज़ीर-ए-आज़म। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, सऊदी अरब ने दिल खोलकर साथ दिया। सऊदी अरब हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब मुख्तलिफ शोबों में ताउन फराहम कर रहा है। बहुत जल्द सऊदी अरब से आला सतह का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म का सीरत म्यूज़ियम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। इस्लाम और मुसलमानों के बारे में मनफी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। सीरत म्यूज़ियम इस्लाम फोबिया के खिलाफ एक तवाना आवाज़ बनकर उभरेगा। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का भी भरपूर मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ ने कुरान पाक के कम से इंहफाज में इनामात भी तकसीम किए। सीरत म्यूज़ियम के संग बुनियाद की तकरीब में सऊदी मेहमानों की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ुसूसी तौर पर तकरीब के शुरका से अरबी ज़बान में खिताब किया। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर समेत तकरीब में मौजूद सऊदी मेहमानों ने खूब सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल-ईसा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इस्लाम के हकीकी इमेज को फ़रोग देने के लिए गिराखिदर खदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का मुस्लिम उम्मा के दरमियान इत्तेहाद को फ़रोग देने में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के अहम किरदार का एतराफ़। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के साथ हिमायत और शराकतदारी जारी रखने की यकीन दहानी। डॉक्टर अल-ईसा की पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों की तारीफ़। पंजाब को जराइम और करप्शन फ्री बनाने के लिए इस्लाहात का ग्रैंड पैकेज तैयार। पुलिस इस्तिखासा और अदालती निज़ाम की जामे इस्लाहात के लिए कानून साजी का बिल मंजूर कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पंजाब में ऑर्गेनाइज और साइबर क्राइम के खात्मे के लिए स्पेशल यूनिट और IT ट्रेनिंग का असूली फैसला। पुलिस में करप्शन और गैर पेशा वराना रवैये की निशानदेही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी। औरतों और बच्चों से ज़्यादा नाकाबिले जमानत जुर्म है। कानून साजी के लिए तजावीज़ की फौरी तैयारी की हिदायत। फौरी और जल्द सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनेंगी। हर जुर्म के लिए अलग स्पेशल फोर्स बनाई जाएगी। इजलास में फैसला। स्मगलिंग रोकने के लिए नई सरहदी फोर्स बनाने की तजवीज़ पर गौर। पंजाब में नाजायज़ असलहा कल्चर के खात्मे के लिए सख्त इकदाम की हिदायत। नए असलहा लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी लगा दी गई। पंजाब में हर तरह के मुसल्ह गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन क्लीनअप का भी फैसला। सजा यकीनी बनाकर जराइम में कमी की जा सकती है। पंजाब के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। मरियम नवाज़ की गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत ने बहावलनगर वाक़े की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा दाखिला फजल रहमान इंक्वायरी टीम के सरबरा, कमिश्नर बहावलपुर और डीआईजी स्पेशल ब्रांच इंक्वायरी टीम के मेंबर होंगे। कमेटी में आईएसआई और आईबी के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। तहरीक के जरिए अपना हक लेकर रहेंगे, अवाम का समंदर हुक्मरानों को बहा कर ले जाएगा। रातों रात इलेक्शन नताज तब्दील किए गए, शफाफ इलेक्शन होते तो पीटीआई की हुकूमत होती। हुकूमत फॉर्म 47 की बेसाखियों पर खड़ी है। आइन की पासदारी होगी तो बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगे। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, बुशरा बीबी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। हम मुल्क में आइन की पासदारी चाहते हैं, अपोजिशन लीडर उमर एयूब का जलसे से खिताब। मुल्क में आज अवाम बदहाली का शिकार है, लोग बेरोजगार और एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने बनाई ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। बलूचिस्तान में ऐसे लोग कामयाब कराए गए जिनको उनके मोहल्ले में कोई नहीं जानता। हम अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करते हैं तो दफ़ा 144 लगा दी जाती है। सरदार अख्तर मिंगल का पशीन में जलसे से खिताब। जमीयत उलमा इस्लाम 6 जमात एतहाद का हिस्सा नहीं बनी। मुल्की मैशत इस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक अवाम के हकीकी तर्जुमान हुक्मरानी नहीं करेंगे। अवाम का असल मैंडेट अवाम को वापस करने से मुल्क ठीक होगा। चोर दरवाजे से आने वाले हुक्मरान हुकूमत करेंगे तो मुल्क ठीक नहीं होगा। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ 2 मई को मज़ार कायद पर ऐवान नहीं मैदान सजेगा। पूरा सिंध स्ट्रीट क्रिमिनल्स और कच्चे के डाकू के रहमो करम पर है। राशद महमूद सोमरों की जैकबाद में मीडिया से गुफ्तगू। ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। हमें भी कहा गया था कि एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग से मिलकर हुकूमत बनाओ, लेकिन हमने इनकार किया। हमारे मुफाहमत को नहीं समझा गया। अब मुजाहमत करेंगे। जल्द पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे शुरू किए जाएंगे। जब तक हमारा मैंडेट अब वापस नहीं मिलेगा, चैन से नहीं बैठेंगे। अप्रैल के आखिर या मई के पहले हफ्ते में बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। हमारे इदारों के साथ कोई जंग नहीं है। बैरिस्टर गोहर का तकरीब से खिताब। साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 45वीं बरसी मनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी गुड़ी खुदाबख्श में आज अज़ीम-ए-शान जलसा करेगी। अवामी इज्तिमा के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल, सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजामात। जलसा गाह के दाखिले और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब। जलसे की सिक्योरिटी के लिए 8000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार की गड़ी खुदाबख्श आमद, तैयारियों का जायजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुटो जलसे से खिताब करेंगे। IMF से नए बेल आउट पैकेज के हसूल के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की क़यादत में वफ़द आज अमेरिका रवाना होगा। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। सिंध हाई कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस ने अपने अहदों का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने जजेस से हल्फ लिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस ने 1 साल बतौर एडिशनल जज फराज से अंजाम दिए। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने का हुक्म जारी किया था।